अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगजेब बेग एक नई वीडियो में तारीख खिदमत हाजिर। तो अज मैं आया वहाँ तहसील शकरगढ़। 1947 की वंड तो पहला शकरगढ़ जी ने तहसील होंगी सी जिला गुरदासपुर की। जिस तरह के सारे लोग जोड़े इस हिस्टरी जानते उन्होंने पता है कि शकरगढ़ बड़ी वो तहसील से जिला गुरदासपुर की। पाकिस्तान बन गया, हिंदुस्तान बन गया, तो शकरगढ़ जी ये फिर तहसील बन गई सियालकोट की। लेकिन अजक तहसील हैगी जिला नारोवाल की। ये उ शकरगढ़ है जिथे बॉलीवुड के बड़े मशहूर एक्टर जेडे के इस वे दुनिया के नहीं, देवानंद, उन्होंने जन्म इतें ही होया। अच्छा, देवानंद की गल कर रहे सर, देवानंद जरा 26 सितंबर 1923 इस शकरगढ़ उन्होंने जन्म लिया। तो उन्होंने वाल साहब जोड़े सन पिशोरीमाल आनंद, वह गुरदासपुर की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जीडिया ने उत्थे वकील है सन, बड़े मशहूर वकील है सन। लिहाजा अज तुम मैं बहालना उस स्टेशन जिथे उन्होंने बुजुर्ग भी इस स्टेशन इस्तेमाल करते रहे, और उस तो बाद फिर पाकिस्तान की वंड हो गई तो पाकिस्तानी लोग भी इस स्टेशन इस्तेमाल करते रहे अज के साल से। चलो वीडियो शुरू कर दें। ट्रेन की तो सवारी ही फिर बस से ही सवारी ही ट्रेन की, पेशाब का नहीं फिक्र, टट्टी का नहीं फिक्र, सेहत का नहीं फिक्र, मेरी सेहत डाउन है, ये है वो है, लम्मे पैन बहन हर चीज, ये तो कोई सवारी थोड़ी है आ जानी हूँ। बस दुनिया अमीर हो गई, पैसा लग गया, दुनिया घर घर गड्डिया आ गई। हाँ लो जी, यार रेलवे ट्रैक है, इधरों नारोवाल तो ट्रेन आँदी होंगी है, यानी इस साइड तो नारोवाल है, तो शकरगढ़ का एक बड़ा मेन फाटक है, यह होंगी सी कुली फाटक वाले की, यह फाटक बंद बंद करने वाले की कुली अज भी मौजूद है। जनाब शकरगढ़ स्टेशन आ देखो, ये छत जड़ी है ना वही उस तरीके की पाई है जी अंग्रेज दौर की होंगी। फाटक है अगे नाल थोड़ी थोड़ी शकरगढ़ स्टेशन से। चलो चलने शकरगढ़ स्टेशन। ए बिल्कुल जी, उ फाटक तो लाइन आ रही है रेलवे लाइन, तो यह लाइन हैगी एक का गार्डर ए है, दूसरा गार्डर ए है, यानी ए लाइन ठीक है ना, ए जा रही है। बिल्कुल ए देखो, कोई लगता नहीं कि इतने लाइन होगी, लाइन का गार्डर एक है तो एक है, यह अगे शकरगढ़ स्टेशन उत्थे चलने। लो जी, आ रेलवे लाइन, एदा सिग्नल। अच्छा ये पता नहीं कितों कितने डाउन होए ने दो संगल, तो यह लीवर घंटा तब्दील करने वाला लीवर, ताकि इतों दो लाइन हो जाए सर ठीक है ना, वह लीवर ए जनाब सिग्नल डाउन का जड़ा है सिग्नल, ये भी जो दी ट्रेन बंद उदों के डाउन। लो जी, जिस तरह के दोस्तों तुम्हें पता है कि शकरगढ़ गुरदासपुर की तहसील होंगी सी, जिहड़ा कि इस वेले हुण भारतीय पंजाब का जिला है, उसकी तहसील होंगी। तो इतने ना समान बहुत ज़्यादा आता है गुड्स, तो वो मुनासबत नाल ना इतने जी ना मालगड्डी की लाइन वो बहुत लंबी सी। देखो उतो शुरू होंगी जी मालगड्डी की लाइन, यह आ गए तो यह आ गया, तो पहला गोदाम ठीक है ना, लाइन फिर भी अगे चलती है, यह अगे वड्डा गोदाम दूसरा आ गया, यह जरा ठीक है ना, यह दूसरा आ देखो, तो मालगड्डी की लाइन फिर हले अगे जा रही है। ये तो साबित हो गया कि बड़ा वड्डा स्टेशन जोड़ा ना ये माल वास्ते भी इतने होंगे सी। तो यह जनाब मेरे पिछे तुम वेख सकते शकरगढ़ स्टेशन की बिल्डिंग जी कि इस वे भूत बंगला बन चुकी है, क्योंकि ये स्टेशन बनया 1926 स्टेशन बनया, उदो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की वंड नहीं सी हुई,
ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 8 ਟ੍ਰੇਨਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਟੇਸ਼ਨ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਣਦਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਚੱਕਮਰੂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਨਾਰੋਵਾਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ 20 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤਹਿਸੀਲ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਹਿਸੀਲ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਟਾਂਗੇ ਵਗੈਰਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਇੱਧਰੋਂ ਨਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚੱਕਮਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੁਸਾਫਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਆਫਕੋਰਸ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇੱਥੋਂ ਟਿਕਟ ਘਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਬਲਕਿ ਸੀਲ ਕਰ ਛੱਡਿਆ ਇੱਟਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਾਂ ਕੁਛ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਖੇ ਨੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕਿਰਾਇਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਟਿਕਟ ਘਰ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮੇਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਾਫਰ ਖਾਨਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਪੁਰਾਣੇ ਬੈਂਚ ਅੱਜ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਗੋ ਕੇ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੈਂਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੱਟਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਂਚ ਹੈਗਾ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਫੱਟੇ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ ਕੌਣ ਬਾਲ ਚੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਦਰਖਤ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸੁੱਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਕਈ ਝਾੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਨਲਕਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਰ ਸ਼ੁਰੇ ਹੌਦਾ, ਨਲਕਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੱਝ ਡਿੰਗਦੀ ਪਈ, ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਭੁੱਖੀ ਮਰਨ ਡਈ ਕੋਈ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਇੱਥੇ ਗਲੋਬ ਲੈਂਪ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ, ਇਹ ਕੋਲ ਗੋਦਾਮ, ਇਹ ਜਨਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਪ ਲੱਗੇ ਸਨ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਦਰਖਤ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਦਰਖਤ ਸਾਰੇ ਟਾਹਲੀਆਂ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੌਰ ਦੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬਣੇ ਦੇ ਬੈਤਲ ਖੁਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਸ਼ੂਬ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ, ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਕਰਗੜ੍ਹ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਬਾਹਰ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਅਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਗਾ। ਇਹ ਜੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਫੁੱਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਆ ਲੋਕਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਦਰਖਤ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਲੈ ਜਾਣਾ ਲੋਕਾਂ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਨ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਇਹ ਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਦਾਮ ਟਾਈਪ ਡੱਬਾ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਭਰਾ ਲਈਏ, ਸਕਰੈਪ ਟਾਈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਲੀ ਦਾ ਦਰਖਤ ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਨਲਕਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ,
लेकिन जिन्ना भी हैगा वो भी ख़त्म हो गया। शकरगढ़ जी हूँ मौजूदा तहसील शकरगढ़ ज़िला नारोवाल, ये शकरगढ़ सियालकोट की तहसील बन गई सी जो 1947 वंड हुई है ना, तो उदो फिर जरा ना ये बन गई सी सियालकोट की तहसील, नारोवाल भी तहसील बन गई सियालकोट की, तो शकरगढ़ भी। जनाब जंगला लगे वही पुराना लोहे का, तो बजुर्गों दसिया कि आ जरा दरखत है भी बड़ा पुराना है, बोर्ड का दरखत, ये पिछे रेलवे के क्वार्टर ने, बहुत पुराने। ए जनाब पूरा एक विजिट तुम करवा छड़िया। अच्छा इतने ना एक होर डब्बा होंगे, इतने ना थोड़ा ज्यादा दसिया कोले का बड़ा काम होंगे, कोला बड़ा होंगे होंगे माल गड्डी इतने भट्ठिया वास्ते। तो यह जनाब एक ए भी गोदाम है इतने बनया, ठीक है ना, स्टोर ये भी हम जो तबाह हो चुके दोस्तों, पता नहीं केड़ी केड़ी चीज़ा इतों रह के जा चुकी ने, केड़ा केड़ा समान इतने पिया होना, लेकिन अज याद ही रह गई। तो ए बोर्ड शकरगढ़ स्टेशन का है जनाब, बाहर जान वाला रस्ता, बेंच तो देखो जनाब की दर्दनाक माहौल है। मैनू बुझदा हजे बेंच में ना जेन च ख्याल आता है कि कितने गए लोग जोड़े इन्हों बह के तो ट्रेन का इंतजार कर देंगे स। देखो तुम सीम इटा का स्टेशन बनया तो उत्ते पोचा मलिया ताकि दीवारा ठंडिया रहन, प्लस्तर करने की बजाय मिट्टी का पोचा मलिया छीकनी मिट्टी। लो जी दोस्तों हूँ मैं तुम्हें विखा रहा वहाँ शकरगढ़ का अंदरूनी शहर, जड़ा कि मेन पुराना शकरगढ़ है, तो यह गलिया ने जिन्हों के बॉलीवुड के सुपरस्टार देव आनंद 24 साल तक खेलते रहे, यानी कि 24 साल की उन्होंने एज सी जो पाकिस्तान तो हिंदुस्तान अलग अलग मुल्क बने। तो यह गलिया ने जिन्हों बाज़ार ने जिथे उन्हों का बचपन गुजरिया, तो यह जनाब तुम खसूसी मुनाजर इस वे विखाए जा रहे हैं शकरगढ़ शहर अंदरूने पुराना शकरगढ़ शहर, गो कि इतने हूँ पुरानी इमारत ना होने के बराबर ने, सारिया नवी बन चुकी ने, लेकिन यह बाज़ार है वही डाकखाने वाली गली, डाकखाना इतने होंगे सी बड़ा पुराना, वो अज भी मौजूद है। तो यही वो इलाका से जिथे देवानंद ने जन्म लिया, अक खोली, और उसके बाद फिर कोई भी नहीं जानता कि शकरगढ़ एक छोटे जे कस्बे दे विच तहसील दे विच पैदा होने वाला नौजवान बॉलीवुड दे विच राज करेगा और पूरी दुनिया दे अपनी पहचान बनाएगा। दोस्तों आई थी वीडियो जिदे तुहानू मैं शकरगढ़ स्टेशन की एक दर्दनाक स्टोरी दसी, उम्मीद है तुहानू वीडियो अच्छी लगी होगी। औरंगजेब नू इजाजत दिओ, रब राखा।